IAS, GATE, PSU एंड ऑल टेक्निकल एग्जाम्स की कंप्लीट हैंड रिटन नोट के साथ ऑनलाइन स्टडी करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर लेवे और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो, डिफ्लेक्शन में हमारे पास बहुत सारे मेथड्स है डिफ्लेक्शन सोल्व करने की कि किसी भी पॉइंट पर अगर हम हमारा डिफ्लेक्शन निकालेंगे तो उसके लिए बहुत से मेथड है, जैसे डबल इंटीग्रेशन मेथड हो गया, ओके, मकोलेज मेथड हो गया, मोमेंट एरिया मेथड हो गया। लेकिन हमारे जब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो हम ऐसा कोई सा भी मेथड जल्दी से लगाते नहीं हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? हम सबसे पहले स्टैंडर्ड मेथड यूज़ करते हैं। तो स्टैंडर्ड मेथड यूज़ करने के लिए आपको कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं वो पता होनी चाहिए, ओके। तो एक एक करके सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ देख लेते हैं, ठीक है। पहली स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब कोई बीम होगी, बीम के ऊपर अगर आपकी सीधी लोडिंग आ जाए तो आपको सीधा याद रखना है वैल्यूज़ को, ठीक है। वहाँ पर आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप लग रहे हो फाइंड आउट करने के लिए, नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है, ओके। तो हमारी फर्स्ट कौन सी है, ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास, अगर आपके पास कोई कैंटिलीवर बीम है मान लो, ठीक है, इस तरीके से कोई कैंटिलीवर बीम है आपकी ये, ठीक है, इसके ऊपर एक लोडिंग लगी हुई है पी फ्री एंड के ऊपर, ठीक है, और टोटल लेंथ क्या है आपकी इस बीम की, वो मान लें टोटल लेंथ एल है। अब इसका डिफ्लेक्शन किस तरीके से होगा, देखो फिक्स पर डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो फिक्स पर थोड़ा सा आगे आ जाओ आप, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा आगे आके इस तरीके से, और इस तरीके से हमारा डिफ्लेक्शन हो जाएगा ये, ओके। तो यहाँ से और यहाँ तक ये डिस्टेंस तो होती है हमारा डिफ्लेक्शन, ठीक है। और अगर यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल खींच दोगे यहाँ से, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल से और ये हमारा इसके ऊपर टेंजेंट है इस पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ से ये एंगल होता है, ये हमारा होता है थीटा, ये होता है एंगल, ठीक है, डिफ्लेक्शन, और ये हो गया हमारा रोटेशन। तो अगर सिंपली सपोर्टेड के ऊपर हमारे कुछ पॉइंट लोड लगा हुआ है फ्री एंड के ऊपर, तो इसका डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी डिफ्लेक्शन की वैल्यू होती है हमारी पी एल क्यूब अपॉन 3EI, ये आपको याद रखनी है, पी एल क्यूब अपॉन 3EI होती है। और रोटेशन की वैल्यू कितनी होती है, थीटा की वैल्यू होती है हमारी पी एल स्क्वायर अपॉन 2EI, ओके। और ऐसा मत सोचना कि मैं याद नहीं कर सकता, इफ़ आई रिमेम्बर यू कैन ऑल्सो, ओके। तो देखो याद करना सिंपल है, अगर पॉइंट लोड लगा हुआ हो कैंटिलीवर के ऊपर तो पी एल क्यूब मतलब 3 आ रहा है ऊपर, पी एल क्यूब तो नीचे भी 3 आएगा, 3EI, ओके। रोटेशन में कितना आ रहा है, पी एल स्क्वायर 2 आ रहा है ऊपर, तो नीचे भी हमारा कितना आएगा 2, पी एल स्क्वायर अपॉन 2EI। इसी तरीके से सेकेंड मेथड है, सेकेंड स्टैंडर्ड वैल्यू है कि अगर मान लो आपकी वही कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, ये आपकी कैंटिलीवर बीम है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, कोई मोमेंट लग रहा है M, ओके, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस इसकी L है, तो वापस इसका रोटेशन उसी तरीके से होगा, यहाँ से तो रोटेशन नहीं होगा फिक्स के ऊपर से, थोड़ा आगे से रोटेशन होगा, ठीक है, यहाँ से होकर के मान लो हमारी बीम इस तरीके से आ गई, और यहाँ से यहाँ तक का डिफ्लेक्शन कितना हो गया हमारा डेल, ठीक है, और ये रोटे यहाँ पर टेंजेंट खींच लो आप, और यहाँ से ये क्या हो गया हमारा रोटेशन, डिफ्लेक्शन कितना हो गया डेल, और रोटेशन कितना हो गया थीटा। तो इसके लिए आपकी डेल की वैल्यू, अगर आपका मोमेंट लगा हुआ हो फ्री एंड के ऊपर, तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी एम एल स्क्वायर अपॉन 2EI, ठीक है, और रोटेशन कितना होता है, रोटेशन की वैल्यू होती है हमारी एम एल अपॉन EI, ठीक है। इसके बाद में हमारी थर्ड जो आता है वो है थर्ड हमारा कौन सा है, थर्ड हमने मान लिया कि थर्ड हमारा है वही कैंटिलीवर बीम है हमारा, ठीक है, कैंटिलीवर बीम है, लेकिन इस बार कैंटिलीवर बीम के ऊपर आपका ना तो पॉइंट लोड है ना फिर मोमेंट है, वहाँ पर क्या है आपकी UDL लगी हुई है पूरे बीम के ऊपर, ये कैंटिलीवर बीम है, इसके ऊपर आपकी UDL लगी हुई है, और टोटल इसकी लेंथ कितनी है, इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक मान लिया कि टोटल लेंथ इसकी L है, और इस पर ये जो UDL लगी हुई है वो कितनी लगी हुई है, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर की UDL लगी हुई है। तो वापस से हमारा बीम डिफ्लेक्ट किस तरीके से होगा, यहाँ से तो होगा नहीं, थोड़ा सा आगे से आके इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा, ओके, ये तो हमारी वैल्यू कितनी हो गई डेल, ठीक है, और ये इस पॉइंट पर, ठीक है, आगे मैंने ड्रॉ कर दिया थोड़ा सा, और यहाँ पर ये हमारी रोटेशन की वैल्यू कितनी हो गई थीटे,
तो यहाँ पर आपकी डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, जब आपका यूडीएल लगा हुआ हो कैंटिलीवर के बीम के ऊपर, तो ये हमारी होती है डब्ल्यू एल की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 ई आई। ओके, और जो थीटा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6 ई आई मस्लर। ओके, अब आती है हमारी फोर्थ नंबर की बारी, ठीक है। तो चौथा स्टैंडर्ड केस है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, ठीक है। कैंटिलीवर खत्म हो गया हमारा, कैंटिलीवर के लिए तीन कर लिए हमने। अब बात ये आती है सिंपली सपोर्टेड बीम की, कि मान लो आपका ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक तरफ हिंज है और एक तरफ रोलर है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके ऊपर मिड में पी लोड लगा हुआ है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी, ये मान लो टोटल डिस्टेंस इसकी एल है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, टोटल डिस्टेंस इसकी एल है, ठीक है। और ये जो लोडिंग लगी हुई है ये मिड पे लगी हुई है L/2 डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। तो इसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो किस तरीके से होगा, इसका डिफ्लेक्शन हमारा इस तरीके से होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और जो यहाँ पर मिड में यहाँ पर रहेगा हमारा डेल, ठीक है, ये हमारा डेल मैक्सिमम भी रहता है और इसको डेल भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। और जो ये रोटेशन होगा ये थीटा रहेगा और ये भी थीटा रहेगा, दोनों साइड हमारा रोटेशन सेम होगा क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। तो दोनों साइड हमारा रोटेशन सेम रहेगा थीटा थीटा, और मिड के अंदर जहाँ पर हमारी लोडिंग लगेगी वहाँ पर डेल मैक्सिमम रहेगा, डिफ्लेक्शन वहाँ पर मैक्सिमम रहेगा, या फिर डिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। तो इस केस में हमारी डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी होती है, पी एल क्यूब अपॉन 48 ई आई। ओके, और यहाँ पर हमारी जो एंगल की वैल्यू होती है, रोटेशन होता है, वो कितना होता है, पी एल स्क्वायर अपॉन 16 ई आई। ओके, यहाँ तक बात हो गई फोर्थ नंबर तक। उसके बाद में आते हैं हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, कि हमारी वापस से क्वेश्चन नहीं है, स्टैंडर्ड केसेज हैं ये, ठीक है। फिफ्थ नंबर आता है हमारा कि वापस से क्या है हमारा, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। हमने मान लिया कि हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, लेकिन इस बार क्या लगा हुआ है इसके ऊपर, यूडीएल लगी हुई है। ओके, यूडीएल कितनी लगी हुई है, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर की ये यूडीएल लगी हुई है। मान लिए इसकी टोटल लेंथ एल है। ओके, तो इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा हमारा वो किस तरीके से होगा, वापस हमारा डिफ्लेक्शन इसी तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से डिफ्लेक्शन होगा। और जो मिड में ही इसका डेल आएगा, क्योंकि यूडीएल भी उसी तरीके से होती है, इसका जो टोटल लोड लड़के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लगेगा। ओके, और ये थीटा थीटा सेम आएगा हमारा। तो जब अब अगर हमारी सिंपली सपोर्टेड पर यूडीएल लगी हुई है, उस केस में हमारी डेल की वैल्यू कितनी आती है, उसमें केस में हमारी डेल की वैल्यू आती है डब्ल्यू एल की पावर 4 5, डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 384 ई आई। ओके, और थीटा की वैल्यू कितनी आती है, रोटेशन की वैल्यू कितनी आएगी, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 ई आई। ओके, ये हमारी डब्ल्यू एल उसकी वैल्यू आती है, ठीक है। अब उसके बाद में बात आती है हमारी सिक्स नंबर की, ठीक है। सिक्स नंबर है वापस हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, मान लिया ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। इसके ऊपर यूडीएल लगी हुई है हमारी, आओ ओके सॉरी, यूडीएल वाला केस तो हमने कर लिया ना, ठीक है। ये रहा यूडीएल वाला केस, तो ठीक है। तो सिक्स नंबर हमारा दूसरा है, ठीक है। अभी सिक्स नंबर केस मैंने वापस से बना दिया था, सिक्स नंबर केस है हमारी वापस सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। इस तरीके से हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि इसके ऊपर यहाँ पर किसी एक पर हमारा एक मोमेंट लग रहा है एम, ठीक है। या तो इसको एम बोल दो या फिर एम नॉट बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो आप, कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। एक मोमेंट लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका रोटेशन किस तरीके से होगा, अब देखो इसका रोटेशन, अब यहाँ मोमेंट लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर रोटेशन हमारा ज़्यादा होगा और यहाँ पर रोटेशन कम होगा, तो हमारा रोटेशन इस तरीके से होगा, समथिंग, ठीक है। इस तरीके से मान लिया हमने ये जो डिफ्लेक्शन है ये हमारा थीटा 1 है, ठीक है। यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो थीटा 2 हो रहा है, और मान यहाँ पर मान लो कुछ डेल ई, ओ सॉरी अभी क्या बोलता, यहाँ पर हमारा जो रोटेशन हो रहा है, ठीक है, अभी मैंने डिफ्लेक्शन शायद गलत बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो हमारा रोटेशन हो रहा है वो थीटा 1, यहाँ पर जो रोटेशन हो रहा है वो थीटा 2, और जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो यहाँ पर कहीं पर डिफ्लेक्शन हो रहा है।
अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये डिफ्लेक्शन मिड में नहीं होगा कभी भी, ठीक है। ये टोटल लेंथ कितनी है इसकी, एल है, ओके, टोटल लेंथ एल है, ठीक है। तो ये जो डिफ्लेक्शन होगा ये कितना होगा, जहाँ पर मोमेंट लगा रहे हैं वहाँ पर नहीं, इसके दूसरे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से जो डिफ्लेक्शन होता है, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है एल बाई रूट थ्री, ठीक है। इस डिस्टेंस पर हमारा डिफ्लेक्शन होता है, ओके। तो अब आप ध्यान रखना, डिफ्लेक्शन की वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप डिफ्लेक्शन की वैल्यू ध्यान रखो, पहले तो आप थीटा वन थीटा टू इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना। थीटा वन की वैल्यू कितनी रहेगी, जहाँ पर हमारा मोमेंट लगा हुआ है वहाँ पर वैल्यू कितनी रहेगी, एम नोट एल अपॉन थ्री ई आई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और जो थीटा टू, मतलब जहाँ पर हमारा मोमेंट नहीं लगा हुआ है वहाँ पर वैल्यू कितनी होगी, थीटा टू पर वैल्यू कितनी होगी हमारी, एम नोट एल अपॉन सिक्स ई आई, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर आप, मैं डेल की वैल्यू बता देता हूँ, डेल की वैल्यू कितनी होगी, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट नहीं कि आप डेल की वैल्यू ध्यान रखो। डेल की वैल्यू कितनी होगी, एम नोट एल स्क्वायर अपॉन नाइन रूट थ्री ई आई, ठीक है, ये आपकी डेल की वैल्यू होती है, लेकिन आपको इसको याद नहीं करनी है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। केस नंबर सिक्स हो गया हमारा। अब आती है सेवन की बात, ठीक है। अगला है हमारा कि अगर हमारा फिक्स्ड है, अब फिक्स्ड बात, कैंटिलीवर की बात हो गई हमारी कंप्लीट, सिंपली सपोर्टेड की बात हो गई, अब आती है फिक्स्ड के लिए, ठीक है, कि मेरा बीम यहाँ से एक तरफ से यहाँ फिक्स्ड है, ठीक है, और मेरा बीम यहाँ से दूसरे साइड से भी फिक्स्ड है, तो दोनों साइड से फिक्स्ड है हमारा, ये फिक्स्ड बीम हो गया, ओके। और मिड पर इस पर कोई लोडिंग लगी हुई है पी, ठीक है, टोटल लेंथ इसकी एल है, और एल बाई टू पर इसकी मिड पर लोडिंग लगी हुई है, तो हमारा बीम किस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से डिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है, यहाँ से डिफ्लेक्ट नहीं होगा। अच्छा, देखो इसमें बीम यहाँ से डिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारी पिन कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ से पिन कनेक्टेड होता है, तो पिन कनेक्टेड है तो हमारा सिंपली यहाँ से सीधा यहीं से डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, रोटेशन होना शुरू हो जाएगा, सॉरी डिफॉर्मेशन नहीं, ठीक है, यहीं से घूमना शुरू हो जाएगी बीम। अगर यहाँ पर फिक्स होता तो किस तरीके से होती, पहले थोड़ी सी डिस्टेंस आगे जाती, फिर थोड़ी आगे से रोटेशन शुरू होता उसके अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिक्स्ड है दोनों तरफ से, तो यहाँ से तो हमारा थोड़ी सी दूर तक तो रोटेशन नहीं होगा, ठीक है, थोड़ी दूर के बाद में रोटेशन होगा क्योंकि फिक्स्ड है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ी दूर के बाद में रोटेशन होगा, यहाँ से मतलब रोटेशन हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ पर जाते जाते वापस से यहाँ मिलेगी, और थोड़ी दूर के बाद में यहाँ से इस तरीके से रोटेशन होगा, ओके। तो ये हमारी डेल हो गई, तो डिफ्लेक्शन इसमें आएगा हमारा, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन कितना आ गया, इसमें डिफ्लेक्शन कितना आएगा, देखो फिक्स में जो डिफ्लेक्शन आएगा ना वो कितना आएगा, आपका जो डिफ्लेक्शन निकला था सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम में डिफ्लेक्शन निकला था ना, देखो मैं बता देता हूँ आपको, सिंपली सपोर्टेड बीम में डिफ्लेक्शन कितना आया था, जब मिड में लगाए थे, ये रहा आपका, ठीक है। इसमें जो डिफ्लेक्शन आया है इसका ध्यान रखना, ये डिफ्लेक्शन आया है, ये रोटेशन आया है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, इस रोटेशन का, सिंपली सपोर्टेड बीम के रोटेशन का, ये जो रहता है हमारा, ये इसका फिफ्थ पार्ट रहता है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम के फिफ्थ पार्ट डिवाइडेड बाई फाइव, और जो रोटेशन रहेगा थीटा, वो तो हमारा दोनों ही जगह पर ज़ीरो रहेगा, ओके। एट्थ नंबर देखो, एट्थ नंबर वापस हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, और बीम के ऊपर हमारी इस बार लोडिंग लगी हुई है, ठीक है, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर की इसके ऊपर लोडिंग लगी हुई है। टोटल लेंथ इसकी कितनी है, मान लिया टोटल लेंथ इसकी एल है, तो ये बीम हमारा किस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा, सेम टू सेम उसी तरीके से डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से आकर के, ठीक है, इस तरीके से बीम डिफ्लेक्ट होगा हमारा, ठीक है, यहाँ मिड में हमारा ये डेल होगा, और इसके लिए डेल की वैल्यू क्या आएगी, इसके लिए भी डेल की वैल्यू वो आएगी जो हमारी डेल की वैल्यू सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए थी ना, यूडीएल के लिए, उसकी डिवाइडेड बाई फाइव, ओके। और रोटेशन कितना आएगा थीटा, तो ऑब्वियसली बात है थीटा तो जीरो ही आएगा क्योंकि फिक्स्ड है दोनों साइड पर, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा नाइन्थ नंबर, ठीक है, नाइन्थ किसके लिए है, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए है, देखो अब थोड़े अलग तरीके के आ गए, सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर
सारे केसेस आपको याद रखने हैं, ठीक है। हाँ, याद हो जाएंगे, एक दो बार आप रिवीजन करना, टेस्ट सीरीज देना, फिर दो चार बार रिवीजन करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा याद। ये सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर हमारा कोई लोड लगा हुआ है पी, लेकिन उसकी डिस्टेंस अलग अलग है, ठीक है। जब मिड में नहीं लगा हुआ है ये लोड, ठीक है। एक मान लेते हैं कि एक डिस्टेंस ए पर है, ठीक है, ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस बी है, यहाँ पर कहीं हमारा ये लगा हुआ है, लोडिंग लगी हुई है, तो इसका डिफ्लेक्शन किस तरीके से होगा? इसका डिफ्लेक्शन ऑब्वियस सी बात है, इस तरीके से डिफ्लेक्शन होगा, ओके। और जो डेल मैगजिम यहाँ पर हमें ये हमारा डेल होगा, तो ये हमारा जो डेल होगा वो डेल मैगजिमम नहीं होगा, ठीक है। हमारा डेल मैगजिमम कहाँ होता है, मान लेते हैं ये हमारा कोई मिड पोर्शन है, ठीक है। तो जो हमारा मिड पोर्शन है और जहाँ पर लोडिंग लगी हुई है उसके बीच में यहाँ पर ये हमारा होता है डेल मैगजिमम, ठीक है। और यहाँ पर जो जहाँ पर लोडिंग लगी हुई है उसके नीचे होता है डेल, ओके। और हमारे जो थीटा की वैल्यू भी हमारी अलग अलग आएगी, ओके। मान लेते हैं कि ये हमारी थीटा ए है और इसको मान लेते हैं कि यहाँ हमारी थीटा बी है, ओके। तो चारों पांच चीज़ें देख लेते हैं। पहली बात तो देखते हैं थीटा ए, ठीक है, थीटा ए की वैल्यू मतलब इसकी यहाँ पर रोटेशन कितना होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा ए की हमारी वैल्यू आती है पी ए बी डिवाइडेड बाई 6 ई आई एल एल प्लस बी, ओके। ये हमारी थीटा ए की वैल्यू है। थीटा बी की वैल्यू देखोगे तो कितनी आएगी, इसी तरीके से लिख लो पी ए बी अपॉन 6 ई आई एल, बस यहाँ पर एल प्लस बी है ना, तो यहाँ पर एल प्लस ए कर दो, इतना डिफरेंस है, ठीक है। अब आप डेल की वैल्यू देख लो कि डेल की वैल्यू कितनी आएगी इसके अंदर। तो हमारी जो डेल की वैल्यू जहाँ पर लोडिंग लगी हुई है वहाँ पर डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो यहाँ पर हमारा डिफ्लेक्शन होता है पी ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 3 ई आई एल, ठीक है। ये होता है पी ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 3 ई आई एल। और जो डेल मैक्सिमम होगा, ठीक है, जो डेल मैक्सिमम कितना होता है, डेल मैक्सिमम भी बता देता हूँ, डेल मैक्सिमम होता है हमारा पी बी एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 9√3 ई आई एल, ओके। ये डेल मैक्सिमम होता है, इसमें चारों वैल्यूज आ गई, थीटा बी थीटा ए डेल मैक्सिमम डेल, ओके। ये ए नहीं है, ए जैसा दिख रहा है ये डेल है, ओके, ये हमारा डेल है। 9 केस कंप्लीट हो गए, ओके। इन को एक जगह लिख लेना, हो जाएंगे, ठीक है। 9 के बाद में बात आती है 10th की, ओके। अगला है हमारा कि हमारा ये फिक्स्ड है, मान लो हमारी फिक्स्ड बीम में इस तरीके से, ठीक है, हमने देख लिया हमारी फिक्स्ड बीम में, ओके। यहाँ पर हमारी लोडिंग लगी हुई है कहीं पर पी, इसकी डिस्टेंसेज वहाँ पर अलग अलग है, ठीक है। मिड में तो लगती है, तो हमने देख लिया कि मिड में लगेगी तो कितना होगा। अब देखते हैं कि अलग अलग डिस्टेंस पर हो अगर हमारी लोडिंग तो किस तरीके से होगा। तो ऑब्वियसली बात है इसका डिफ्लेक्शन किस तरीके से होगा, यहाँ से डिफ्लेक्शन होगा नहीं, ठीक है। यहाँ से ऐसे आएगा और यहाँ से घूमता हुआ वापस इस तरीके से मिल जाएगा यहाँ पर जा करके, ओके। ये हमें निकालना है कि डेल कितना होगा यहाँ पर, तो वापस से ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर ये डेल होगा वो डेल मैक्सिमम नहीं होगा। डेल मैक्सिमम कहाँ होगा, मिड में, मिड और इसके बीच में हमारा कहीं पर डेल मैक्सिमम होगा, लेकिन वो वैल्यूज़ आपको याद नहीं रखनी है ऐसे। तो यहाँ पर भी ये वैल्यूज ध्यान नहीं रखनी, कहीं जहाँ पर आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो जो वैल्यू यूज़ आए उसको ज़्यादा याद रखनी है, ठीक है। जैसे ये डेल मैक्सिमम ज़्यादा यूज़ नहीं आता तो इसको ज़्यादा याद मत रखना, ठीक है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए आपको, ओके। तो फिक्स रहती है यहाँ पर, फिक्स पर डेल की वैल्यू कितनी आती है, यहाँ पर डेल की वैल्यू आती है हमारी पी ए क्यूब बी क्यूब अपॉन 3 ई आई एल स्क्वायर, ओके। ये हमारी डेल की वैल्यू आती है जब फिक्स्ड बीम हो और उस पर लोडिंग लगी हुई हो, मिड पर नहीं होनी चाहिए लोडिंग, लेकिन ठीक है। उसके बाद में हमारी 11th नंबर आता है। 11th नंबर क्या है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर की बात आती है, ठीक है। प्रॉप्ड कैंटिलीवर कैसा होता है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर होता है हमारी एक तरफ से तो फिक्स्ड है और दूसरी तरफ से हिंज होता है, ओके। इसको हम हमारा प्रॉप्ड कैंटिलीवर बोलते हैं, इसको प्रॉप कैंटिलीवर, ओके। ये हमारा प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम होता है, ठीक है। अब इसके अंदर प्रॉप्ड कैंटिलीवर के अंदर क्या करने कि हमारा यहाँ पर मान लो कि कोई मोमेंट लगा हुआ है एम,
ओके, यहाँ पर कोई मोमेंट लगा हुआ है एम, तो हमारी जो बार कैसे डिफ्लेक्ट होगी, हमारी बार डिफ्लेक्ट होगी इस तरीके से, यहाँ से तो होगी नहीं, यहाँ से आएगी इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो करके और यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर पिन कनेक्टेड है तो यहाँ से डिफ्लेक्ट होगी इस तरीके से ही, ठीक है। और हमारा डेल मान लिया कि हमारा डेल कहीं पर आ रहा है यहाँ पर, ओके, यहाँ पर रोटेशन आ रहा है थीटा। अब ये जो हमारा डेल होगा, ये डेल कहाँ पर होगा, जो डेल मैक्सिमम होगा या फिर डेल होगा डिफ्लेक्शन, कहाँ फाइंड आउट करना है आपको, यहाँ से ये 2L/3 पर, ओके। तो यहाँ पर हमारी डेल की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से हमारी डेल की वैल्यू आती है एम एल स्क्वायर अपॉन 27 ई आई, ये हमारे डेल की वैल्यू आती है, ओके। और थीटा की वैल्यू कितनी आती है, यहाँ से हमारी थीटा की वैल्यू आती है एम नो एम एल, ठीक है, एम लिख रहे हैं एम एम एल अपॉन 4 ई आई, ओके, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ओके, एम एल अपॉन 4 ई आई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो आप, ओके, क्वेश्चन नहीं है ये, स्टैंडर्ड केसेस देख रहे हैं, ओके, 12 नंबर है, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, 12 नंबर इम्पोर्टेंट है, ये क्या है कि आपकी एक तरफ से फिक्स्ड है, ओके, और एक तरफ से फ्री है, लेकिन ये फिक्स्ड है, यहाँ पर आपकी ये UVL लगी हुई है, ठीक है, यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड है ये यहाँ पर, ठीक है, आपका ये वेयरिंग लोड इस तरीके से डाउन हो रहा है, ठीक है, ओके, ये यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड है, ठीक है। यहाँ पर ये लोडिंग कितनी है, यहाँ पर मैक्सिमम लोडिंग कितनी है, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर की लोडिंग लगी हुई है। टोटल लेंथ कितनी है हमारी, इसकी टोटल लेंथ मान लिया एल है, ओके, टोटल लेंथ एल है, तो अब इसका डिफ्लेक्शन कैसे होगा, इसका डिफ्लेक्शन इस तरीके से ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, इस तरीके से डिफ्लेक्शन होगा, मान लिया हमारा जो ये डिफ्लेक्शन है, ये हमारा डेल है, ओके, और ये जो थीटा है ये हमारा रोटेशन है, तो यहाँ पर आपकी डेल की वैल्यू कितनी आती है, यहाँ पर आपकी डेल की वैल्यू आएगी डब्लू एल की पावर 4 अपॉन 30 ई आई, ओके, और जो रोटेशन है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, रोटेशन की वैल्यू आती है हमारी डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 ई आई, ओके, ये हो गए हमारी UVL के लिए, कैंटिलीवर UVL है हमारे, ठीक है, कैंटिलीवर जैसी बीम है उसके ऊपर यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड लगा हुआ है, वहाँ पर हमारे फ्री एंड के ऊपर रोटेशन और हमारा जो डिफ्लेक्शन है वो कितना होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नहीं है, स्टैंडर्ड केसेज है। अब देखो मान लो कि आपकी ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, 13 नंबर देखो, अगर आपकी ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, इसमें हो क्या रहा है कि आधे पार्ट पे तो हमारी जो वेयरिंग लोड एक बार तो क्या हो रहा है कि हमारी जो यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसके मिड तक, तो फिर मिड के बाद में क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इसमें डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और ये जो मैक्सिमम लोडिंग है वो हमारी कितनी है, डब्लू किलो न्यूटन पर मीटर की लोडिंग है, ठीक है, तो इसमें डिफ्लेक्शन हमारा किस तरीके से होगा, ठीक है, इसमें इस तरीके से डिफ्लेक्शन होगा, हमारा ये थीटा और ये थीटा सेम रहेगा, ठीक है, रोटेशन सेम रहेगा, और यहाँ जो डिफ्लेक्शन होगा वो मिड में होगा डिफ्लेक्शन हमारा यहाँ पर डेल, ओके, तो इसका जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू आती है, ठीक है, जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी आती है इसके अंदर डिफ्लेक्शन की वैल्यू आती है डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 120 ई आई, ओके, डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 120 ई आई हमारी डेल की वैल्यू आती है, और थीटा की वैल्यू कितनी आती है, रोटेशन आता है हमारा डब्ल्यू एल की पावर 3 अपॉन 192 ई आई, ओके, ये हमारा रोटेशन आता है यहाँ पर, ठीक है। एक अगला केस और देख लो आप, अगला केस क्या है, 14 नंबर है, 14 क्या है कि आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है, मान लो ये आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके ऊपर क्या हो रहा है कि हमारा एक तरफ तो यहाँ मोमेंट लग रहा है एम, और एक तरफ मैंने यहाँ मोमेंट लगा रखा है एम, दोनों डायरेक्शन से इसके ऊपर मोमेंट लगा रखा है,
तो थीटा कितना होगा इसके अंदर, जो थीटा होगा रोटेशन होगा वो कितना होगा हमारा, एम एल अपॉन टू ई आई, ये तो हमारा रोटेशन होगा इसके अंदर। ओके, और जो डेल मैक्सिमम होगा, डेल मैक्सिमम कितना होगा, एम एल स्क्वायर अपॉन एट ई आई, ये हमारा उसके ऊपर रोटेशन होगा। और आप बीम डिफ्लेक्ट कैसे करेगी, अगर दोनों तरफ से आप बीम को इस तरीके से घुमाओगे तो आपकी बीम इस तरीके से डिफ्लेक्शन हो जाएगा। हमारा ये थीटा और ये थीटा सेम रहेगा और यहाँ पर हमारा कुछ डेल आएगा, वो दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। ठीक है, इसके बाद में एक अगला आता है हमारा 15, एक और देख लो, लास्ट 16 है। ठीक है, लास्ट ये है हमारा प्रॉप्ड कैंटिलीवर की, जैसे ये है। ठीक है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर की, जैसे कि प्रॉप्ड कैंटिलीवर ही है, इस तरीके से हमारा ये है कैंटी, इसके ऊपर हमारी यूडीएल लगी हुई है। ओके, हमने क्या देख लिया था कि हमारे प्रॉप्ड कैंटिलीवर के ऊपर अगर कोई मोमेंट लगा हुआ है, ठीक है, तो उसको तो हमने देख लिया था, हमारा इंपॉर्टेंट बताया था मैंने, प्रॉप्ड कैंटिलीवर के ऊपर मोमेंट लगा हुआ है इंपॉर्टेंट बताया था, उसके ऊपर हमारा जो रोटेशन होता है वो कितना होता है, एम एल अपॉन फोर ई आई, अगर ये पर हमारे यहाँ यू डी एल नहीं हो करके यहाँ पर एक मोमेंट लगा था, अभी बताया था मैंने केस नंबर 11 था शायद। ठीक है, केस नंबर 11 को देखोगे आप तो हमारे यहाँ पर क्या है, मोमेंट लगा हुआ है, यू डी एल नहीं है, उसके अंदर रोटेशन कितना आ रहा है हमारा, एम एल अपॉन फोर ई आई आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि इसके ऊपर यू डी एल लगी हुई है, तो यू डी एल लगी हुई है तो ये किस तरीके से डिफॉर्म होगा, वो इस तरीके से डिफॉर्म होगा। ठीक है, इस तरीके से जा करके यहाँ इस तरीके से डिफॉर्म होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको रोटेशन वोटेशन फाइंड आउट नहीं करना है, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करनी है कि यहाँ पर रिएक्शन कितनी आएगी हमारी। ठीक है, यहाँ पर रोटेशन नहीं, यहाँ पर कभी भी आपको रोटेशन के लिए नहीं पूछेगा, यहाँ पर आपको रिएक्शन के लिए पूछेगा। ठीक है, कि यहाँ पर मेरी रिएक्शन कितनी आ रही है और यहाँ पर रिएक्शन कितनी आ रही है। मान लीजिए यहाँ पर हमारी रिएक्शन आ रही है आर ए और यहाँ पर आ रही है आर बी, अगर मैंने इस पॉइंट को ए इस पॉइंट को बी मान लिया तो। ठीक है, शायद मैंने इससे पहले केस में बता दिया था आपको। ओके, यहाँ से आर ए की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, आर ए की वैल्यू आएगी 5/8 डब्ल्यू एल। ओके, अगर लेंथ इसकी एल है तो बीम की। ओके, और आर बी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, आर बी की वैल्यू आएगी 3/8 डब्ल्यू एल। ओके, यहाँ पर आपको रोटेशन नहीं पूछ रहे, यहाँ पर रिएक्शन काम आएगी आपकी इस केस के लिए। ओके, अब हमारा लास्ट एंड फाइनल है जो 16 है, वो क्या है कि आपका इस तरीके से यूनिफॉर्म वो है, सिंपली सपोर्ट रेडी है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ क्या कर रहा है कि हम मिड है यहाँ पर। ठीक है, टोटल एल है तो यहाँ से मान लिया कि ये एल बाई टू डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ से ये एल बाई टू डिस्टेंस है तो मिड में यहाँ क्या कर रखा है कि एक मोमेंट लगा रखा है क्लॉकवाइज का। ठीक है, यहाँ पर मोमेंट लगा है क्लॉकवाइज का तो हमारी बीम किस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी, इस तरीके से बीम डिफ्लेक्ट होगी। ओके, तो आपका ये और ये दोनों थीटा सेम होंगे। ठीक है, और ये और ये दोनों थीटा सेम होंगे। मान लिया इसको थीटा ए, ठीक है, और इसको मान लिया थीटा सी। ओके, और ये इसको मान लिया थीटा बी, और ये भी हमारा कितना हो गया थीटा बी, क्योंकि ये दोनों सेम रहेंगे। ओके, और हमारा ये और ये दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, ये और ये दोनों सेम रहेंगे और ये दोनों सेम रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप थीटा डी भी दे सकते हो, कुछ ये थीटा बी मान लो। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये रोटेशन यहाँ जो रोटेशन होगा और जो यहाँ रोटेशन होगा वो दोनों सेम होगा, और यहाँ पर जो रोटेशन होगा वो आपका सेम होगा। ठीक है, तो देख लो आप, थीटा ए इज इक्वल्स टू थीटा सी, ये आपका कितना आएगा, मतलब ये और यहाँ पर जो रोटेशन होगा वो सेम होगा, वो कितना आएगा आपका, एम एल अपॉन 24 ई आई, इतना होगा। ठीक है, अगर थीटा बी पर आप देखोगे, थीटा बी मतलब यहाँ पर आपका कितना होगा। ओके, मैं ये रोटेशन बोल रहा हूँ ना, शायद मैं रोटेशन ही होगा। थीटा मतलब रोटेशन, अगर मैंने कहीं पर डिफ्लेक्शन बोल दिया हो तो सॉरी, आप ध्यान रखना थीटा मतलब रोटेशन। ओके, तो रोटेशन कितना आएगा बी पर, रोटेशन कितना आएगा, एम एल अपॉन 12 ई आई। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, और यहाँ पर आपके जो डिफ्लेक्शन है बी के ऊपर, आपका डिफ्लेक्शन डेल बी, बी के ऊपर डिफ्लेक्ट कितना हो रहा है, बस यहाँ से बीम घूम गई लेकिन डिफ्लेक्शन तो यहाँ पर ज़ीरो है। तो ये ठीक है, यहाँ पर आपके केसेस कंप्लीट होते हैं। ठीक है, ये सारे केस आप याद करो,
क्योंकि ये सारे केस आपके स्टैंडर्ड केस, स्टैंडर्ड जो मेथड है हमारा डिफ्लेक्शन सोल्व करने का, उसमें काम आएंगे। ओके तो डिफ्लेक्शन मेथड को अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। जो लेक्चर नंबर डिफ्लेक्शन स्टार्ट करते हैं उसमें इन मेथड्स को, इन सारे मेथड्स को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके नेक्स्ट लेक्चर मतलब जब हमारा जो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे डिफ्लेक्शन, उसका जो फर्स्ट लेक्चर होगा जो स्टैंडर्ड केस से मैं सोल्व करके बताऊंगा कि स्टैंडर्ड केस कैसे, स्टैंडर्ड मेथड कैसे यूज़ करते हैं डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। तो जब हमारा ये यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे उसमें जो हमारे लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा वो इन्हीं मेथड्स को यूज़ करके हमारे सोल्व करेंगे। इसलिए आप क्या है अभी से इन मेथड्स को याद कर लो, इसलिए मैं इसको पहले अपलोड कर रहा हूँ। ओके इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर दिस चैनल भरत कुमार महावर। थैंक यू।